Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को एक हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है, तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है।